अभी भी ना इसको फीड करवा रही है इसकी माँ, ना फीड करवा रही है, और इसके पंख देख के पीछे से ऐसे मोर की तरह ना पंख बने हुए हैं इसके, ये देखें। और एक हमारे पास एक अजीब से कलर जैसा ना, क्योंकि हमारे पास ना पहले दो जोन से है ना, ये भी अपनी माँ बाप पर गया, तो दो हमारे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं हम स्टार्ट। लेकिन दोस्तों इस टाइम ना इतने दिनों बाद हमने फिर से व्लॉग स्टार्ट किया, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इतने दिनों में हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ हमें मिली हैं। तो हमने ना ये नई मुर्गियाँ ली हैं साथ, तो इसके अलावा मैं कॉकटेल के बारे में बताता हूँ। ये हमने एक देसी मुर्गियाँ, एक वाइट वाली है कि ये ब्लैक, और दो हमारी पुरानी मुर्गियाँ हैं। तो बाकी इसके अलावा जो है ना हमारे लिए जो खुशखबरी है वो मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या है। तो चलते हैं हम अपने कॉकटेल के पिंजरे के पास और जाके मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये के देखें, पहले हमारे कॉकटेल थे कितने, अब देखें कितनी आबादी हो गई है। तो ये देखें माशाल्लाह दोस्तों, ये हमारे कॉकटेल के बच्चे निकले हैं। एक ये बच्चा निकला है, और ये भी, ये एक और नीचे आ गया, एक और होगा वो बैठा है, एक ये बैठा है। तो माशाल्लाह ये बच्चे निकले हैं हमारे कॉकटेल के। तो इसके अलावा जो है ना, हमारी फिंच ने अभी तक ब्रीड नहीं की, हमें 2-3 हफ्ते हो गए, हमने उसके अंदर नेस्ट भी दे दिया पर उसने ब्रीड नहीं की। तो जो था कि हमारा लव बर्ड मर गया था, फीमेल मर गई थी, तो हमारा मेल इस टाइम फारी अकेला बैठा हुआ है पिंजरे में, हमने उसको बंद किया हुआ, तो उधर ही है वो अकेला भी। उसके लिए हम फीमेल भी लाएंगे जल्द अज जल्द। तो क्या कहते हैं, अभी तो मुर्गियों को मैंने इधर दाना डाला हुआ है, तो पहले रात को मैं इधर बंद कर देता हूँ क्योंकि सर्दी ज़्यादा हो जाती है, तो हम इधर बंद कर दें। तो इस वजह से अभी इनको छोड़ा हुआ कि उधर ना अंडा वगैरह दे दें। हमारी देसी मुर्गियाँ ना वो दे देती हैं अंडा रोज़ का, एक कोई एक दे दिए दे देते हैं, कभी दो। तो बाकी जो है हमारी पुरानी मुर्गी वो अभी तक अंडे बहुत कम देती है, कभी कभी देती है वो अंडा वैसे बहुत। तो बाकी ये विजया के लिए हमने झूला मंगवाया था, तो आ गया हमारा झूला ये भी बनकर। तो जी अभी बैठती नहीं, पहले उसको बहुत शौक़ था झूले पर झूला, तो अब बैठती नहीं, अब बस वैसे ही खेलती है झूला। अब आ गया ना, अब उसका शौक उतर गया, तो अब नहीं तो अभी चलते हैं हम अपनी फिंच के पास, तो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। और ले जी दोस्तों, इस टाइम ना हम अंदर आ गए हैं, तो अभी जो है ना सर्दी थी ना, इस वजह से मैंने इनको कवर करके रखा हुआ था। तो बाकी जो है हमारा ये आ गया लव बर्ड, तो ये देखा अकेला मेल बैठा हुआ है, तो वो भी इतने दिनों बाद व्लॉग में आ गया ना, वो देख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। तो बाकी फिंच को ना मैंने अभी तक ना इनका बल्ब ऑन किया हुआ है क्योंकि सर्दी है बहुत ज़्यादा। तो ये देखें, ये हमारे बैठे हुए बैंगली जंदे बैठे हैं, तो अभी इनका पता नहीं कि इन्होंने अंडे दिए हुए हैं कि नहीं, तो अभी मैं देखता हूँ कि इन्होंने अंडे दिए हैं कि नहीं। बाकी एक कुजी ना मैंने नीचे उतार के रखी हुई है क्योंकि उसके अंदर ना नेस्ट बहुत कम कर रहे हैं, तो मैं इनके लकड़ी के लिए बनवाऊंगा, तो वो भी देखते हैं जल्द अज जल्द मिल जाते हैं, तो मैंने कहा हुआ है तो मिल जाते हैं तो लगा देंगे हम। तो देखते हैं अभी अंदर कि इन्होंने अंडा दिया कि नहीं। दोस्तों अंदर हम देखते हैं इन्होंने अंडा दिया कि नहीं। तो मेरा ख्याल है दोस्तों इन्होंने अंडा तो नहीं दिया, और ये कुची नीचे पड़ी है अभी, ये हमारी भी आपने देखा कि उधर से दिखाया है मैंने आपको कि अभी तक उन्होंने अंडा नहीं दिया, नेस्ट वो कर रही हैं। तो एक दिन अंडा दिया था, वो बाहर पिंजरे में पड़ा था, आहद उठा के लाया था तो देखा है, तो उसके बाद उन्होंने एक भी अंडा नहीं दिया। तो अब पता नहीं क्यों नहीं दे रही, मसला क्या है उनको कि अंडा क्यों नहीं दे रही। तो बाकी इनका तो मैं लॉक करने ही भूल गया, अभी कॉकटेल ने बाहर आ जाना था। तो बाकी जो है ना अभी देखते हैं, मुर्गी मुर्गी बैठी हुई है हमारी, वो बैठी थी आगे मुर्गी ना, वो अंडा देने के लिए बैठी थी। तो अभी थोड़ी देर तक इन्होंने अंडा भी दे देना, अभी कुछ पता नहीं कि इन्होंने अंडा दिया कि नहीं, अंदर नज़र तो नहीं आ रहा। तो बाकी इसके अंदर देख लेते हैं इधर अंडा दिया कि नहीं इन्होंने, नहीं दोस्तों इधर भी नहीं दिया, वैसे अभी दे देंगी थोड़ी देर तक, क्योंकि इनको मैंने ना अभी इनका दाना पानी चेंज किया, और ये देखें अभी इनका दाना पानी चेंज किया, तो इनको दिया हमने फ्रेश। तो इसके बाद मेरा ख्याल है थोड़ी देर तक ना ये अंडा दे देंगी जल्द ना। तो बाकी इसके अलावा जो हमारे कॉकटेल हैं, कॉकटेल का वो उन्होंने बच्चे जब बाहर आए हैं ना,
तो बाकी फिर से मेल फीमेल अंदर बैठ रहे हैं, तो उनको मैंने अभी तक देखा नहीं कि उन्होंने दोबारा अंडा दिया कि नहीं, तो आज वो भी देखते हैं कि उन्होंने अंडा दिया कि नहीं। तो चलें मैं दिखाता हूँ आपको भी, और मैं खुद भी पता चल जाएगा मुझे कि उन्होंने अंडा दिया कि नहीं। तो लेकिन दोस्तों अंदर तो ना एंटर हो गया, और ये देखते हैं ये भी ना, ये मेल है शायद, ये भी अंदर ना बैठा हुआ है देख रहा है। तो एक ये सामने बैठा हुआ रुकावट के लिए ना, तो देखते हैं अभी अंदर। और ये देखें जी, ये देखें दोस्तों, देखा फीमेल ना अभी अंदर बैठी हुई है, तो कोई पता नहीं कि इसने अंडा दिया कि नहीं, क्योंकि ये ऊपर बैठी हुई है, इस वजह से नज़र बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा। तो कोशिश करते हैं देखने की, ये मैं स्टिक को निकाल लेता हूँ और देखें। और देखें बिल्कुल ज़रा से भी नहीं हट रही, तो स्टिक हम लगा देते हैं, ये स्टिक लगाई हुई है। तो बाकी बच्चे को मैं उठाता हूँ, ये देखें बच्चे को बाहर लेकर चलते हैं। और ले जी दोस्तों, एक बच्चे का नाम बाहर लेकर आए हैं, और वो देखें वो बैठ गया। हम इसको पकड़ते हैं और ले चलते हैं दूसरी साइड पर ना, क्योंकि इधर ना खतरा है, और ये काटेगा भी। देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा, वो देखें हल्की हल्की ना फ्लाइंग कर रहा है इधर, ये देखें इधर बैठा हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। मैं तो चाहता था कि हमारे पास ना अलग किस्म के ना परिंदे हों, तो ये भी माशाल्लाह बस तीनों तीन वैसे हैं हमारे, जो पहले तोते वैसे थे, एक वो जो सा मेल हम लेकर आए थे ना ये कॉमन वाइट का, उस तरह का ये निकला। पता नहीं अब मेल है फीमेल, चेक करेंगे तो देखेंगे। अब ये देखें काटेगा, तो इसको उठाते हैं। अभी ये फ्लाइंग नहीं करेगा, क्योंकि ये अभी भी ना इसको फीड करवा रही है इसकी माँ, ना फीड करवा रही है, और इसके पंख देखें पीछे से ऐसे मोर की तरह ना पंख बने हुए हैं इसके, ये देखें। और एक हमारे पास एक अजीब से कलर जैसा ना, क्योंकि हमारे पास ना पहले दो जो से हैं ना, ये भी अपनी माँ बाप पर गया है, तो दो हमारे वैसे भी हैं, तो एक कलर हमारे पास ना अलग निकला है कॉकटेल का ना, उसको निकालते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो पंख है वो फ्लाइंग की, तो इसको हम कर देते हैं बंद, क्योंकि इतना अच्छा नहीं है कि बाहर सर्दी भी है, तो इतनी देर हम बाहर नहीं निकालना चाहते, क्योंकि इधर से झील वगैरह आ गई ना, तो पता भी नहीं चलना किधर गया है। तो मैं दूसरे वाले को निकालता हूँ और दिखाता हूँ मैं वो भी आपको ना, उसकी भी फ्लाइंग दिखाता हूँ। और दूसरा वाला किधर है, ये है, ये इसने फ्लाई करना है, तो इसको हम इधर से ही मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसकी कितनी प्यारी शेड आई है इसके कलर की ना, तो इसको हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये फ्लाइंग करने वाला हो गया, ये फ्लाई कर जाएगा, तो इस वजह से हम इसको नहीं निकाल सकते। उसके पंख वगैरह पूरे हो गए हैं, तो वो देखिए अभी भी ऊपर बैठा हुआ है, इसने ना हमने इसको बाहर निकाला ना, तो इसने उड़ के ना कहीं दूर चले जाना, तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो बाकी जो दो नीचे बैठे हैं ना, वो मैं तो दिखा रही हूँ, वो नहीं फ्लाई करेंगे, जैसे ये कॉमन वाइट फ्लाई कर रहा था वैसे ही वो भी फ्लाई करेंगे, इतने ऊपर नहीं जाएंगे, वो भी इधर से उड़ के इधर बैठ जाएंगे, इधर बैठ जाएंगे, पास पास ही बैठेंगे, उनको पकड़ना आसान हो जाएगा, पर दूसरे वाले को ना पकड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि उसके पंख वगैरह पूरे हो गए हैं। तो वो मुर्गियाँ हम इसके अंदर जाकर ना देखते हैं कि अभी अंडा दिया कि नहीं इन्होंने, तो नहीं दोस्तों अंडा तो नहीं दिया। तो जो है ना ये हमें अच्छे भली अच्छे पैसों में मिल गई हमें मुर्गियाँ ना, तो ये देखें निकलने की कोशिश किधर से निकल रही है, इधर से जाली टूटी हुई है, तो इधर से भी टूटी थी, हमने इधर देसी जुगाड़ लगाया हुआ है कि मुर्गियाँ बाहर ना आए, मगर फिर भी वो वहाँ से बाहर आ जाती हैं, मैंने जाली को उधर टाइट भी किया फिर भी वो बाहर आ जाती हैं, तो ये बहुत मसला। अभी मैं फिर से दोबारा से उसको उस जगह टाइट कर देता हूँ, क्योंकि वो बाहर ना आए, बाहर अभी हमने सफाई की है, तो सारा इन्होंने गन डाल देना, तो इस वजह से हम इनको अंदर ही बंद रखा हुआ। तो बाकी इनका दाना पानी हमने सबका चेंज कर दिया था, तो बाकी अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।